हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग विद सुप। तो गाइस, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 0.10.5 का जो एक्सपेक्टेड पैच नोट है। ये अभी तक ऑफिशियल पैच नोट नहीं है क्योंकि अभी तक पबजी ने कोई भी ऑफिशियल पैच नोट नहीं निकाला है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वर्जन में हम लोग को 0.10.5 में ये सब एक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 0.10.0 बहुत ही सक्सेस वर्जन था जिसमें हम लोग को अनएक्सपेक्टेड वीकेंडी मैप मिल गया, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे क्योंकि पीसी में रिसेंटली वो भी रिलीज़ हुआ। जितना भी अलग प्लेटफॉर्म है जो पबजी चलता है उसमें अभी वीकेंडी मैप रिलीज़ हुआ, मगर मोबाइल में भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कि जैसे कि आप जानते हैं जितना भी प्रीवियस मैप सब है पहले पीसी में आया था, उसके बाद 2-3 महीना बाद हम लोग को मोबाइल में मिला था, बट हम लोग को वीकेंडी मैप तुरंत मिल गया। तो हम लोग आज देख लेंगे कितना चीज़ हम लोग को 0.10.5 में मिल सकता है और क्या क्या चीज़ हम लोग को बाद में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये वर्जन में नहीं भी मिल सकता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एकदम डेफिनेटली आने ही वाला है और कुछ कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है सीज़न 5, ये तो डेफिनेटली आने वाला है क्योंकि 17 को हम लोग को सीज़न ख़त्म हो रहा है सीज़न 4, और उसके बाद सीज़न 5 आने वाला है जिसमें आपको नया रॉयल पास खरीदना पड़ेगा अगर आप रॉयल पास एलाइट रॉयल पास खरीदते हैं तो। और इवन आपका जो सीज़न का टायर है मतलब सीज़न रैंकिंग है वो भी रिसेट होकर नीचे आ जाएगा, और ये तो एकदम परफेक्टली पता है कि हम लोग को मिलने वाला है और आपको ओवरऑल सब कुछ पता है कि सीज़न 5 आने वाला है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ हम लोग देख सकते हैं वो है वीकेंडी का बीटा वर्जन हटने वाला है, क्योंकि अभी भी आप अगर ऑफिशियल वर्जन चला रहे ग्लोबल वर्जन पबजी का तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वीकेंडी अभी भी बीटा वर्जन में चल रहा है और उसमें अभी भी लैग थोड़ा हो रहा है क्योंकि वो फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है वो मैप। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.10.5 में कि वो मैप ऑप्टिमाइज हो जाएगा और फुल आपको मिल जाएगा, और कुछ कुछ जगह ऐसे भी अभी तक बंद है बीटा वर्जन में मगर रियल वर्जन में वो सब जगह खुल जाएगा जिसमें आपको गेम प्ले में और मज़ा आएगा। तो ये सेकेंड चीज़ जो कि हम लोग देख सकते हैं वर्जन में। कुछ नया गन्स हम लोग देख सकते हैं जो कि G362 जो कि 5.5 एमोनेशन में चलता है और जो कि आपको वीकेंडी मैप में एक्सक्लूसिव मिलेगा, दूसरा मैप में नहीं मिलेगा, जो कि स्कारिल को रिप्लेस करने वाला था और आप शायद ही पबजी पीसी में ये देखे होंगे ये गन। उसके बाद हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं जो कि एक SMG गन है PP19, तो ये होपफुली आ सकता है, ये वर्जन में कंफर्म नहीं है मगर G362 आने का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो चाइनीज़ वर्जन है उसमें देख चुके हैं G362 जो कि 5.5 का एमोनेशन में चलता है और जो कि स्कारेल को रिप्लेस करने वाला एक्सक्लूसिव वीकेंडी मैप में। इवन आपको फुटप्रिंट दिख जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं वीकेंडी मैप में स्नो है और पीसी अगर वर्जन को अगर आप फॉलो करते हैं पीसी को तो उसमें कोई भी प्लेयर स्नो से चलता है तो उसका फुटप्रिंट दिखता है, तो वैसे ही हम लोग को वीकेंडी मैप का जो बीटा वर्जन है मोबाइल का उसमें कोई भी फुटप्रिंट दिखता नहीं है, मगर आप होप कर सकते हैं कि ये वर्जन में आपको फुटप्रिंट दिखने को मिल जाए जो भी प्लेयर पास हो, और इसमें आपको गेम प्ले में थोड़ा और इंटेंस मिलेगा। तो ये से जो थर्ड चीज़ है वो हम लोग देख सकते हैं, थर्ड या फोर्थ चीज़ जो कि हम लोग देख सकते हैं न्यू वॉइस चैट। तो बेसिकली ये जो पैच नोट में जो वॉइस चैट वाला बात है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 0.10.5 वर्जन में जो आप मार्क करते कोई भी सामान एनिमीज है हेड वो सब का जो वॉइस है वो थोड़ा लाइट कर दिया, जो लड़की का आवाज़ है वो लाइट कर दिया, पोलाइट कर दिया बोल सकते हैं हल्का सा। इससे पहले वाला जो वर्जन में जो लड़की का आवाज़ है वो थोड़ा आर्मी तरफ का था, बहुत ही मतलब हार्ड उसका वॉइस था, तो वही वॉइस फिर से वापस आने वाला है ऑन पब्लिक डिमांड। तो इसमें कम्युनिटी टैब में पबजी कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में डाला था कि 0.10.5 में आपको ये जो लड़की का जो पुराना लड़की का जो आवाज़ था वो वापस मिलने वाला है, नया जो अभी है वो भी मिल रहेगा और पुराना वाला भी रहेगा क्लासिक में। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, दोनों में से कोई भी वॉइस को आप सेलेक्ट कर सकेंगे और ये चीज़ अच्छा है, बहुत जिनको पुराना वाला वॉइस ज़्यादा अच्छा लगता था। ये था नेक्स्ट चीज़ जो कि हम लोग ये वर्जन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नया गन जो 0.10.0 में आने वाला था बट कोई रीजन के चलते आया नहीं था वो है MK47। तो बेसिकली MK47 0.10.0 में आने वाला था बट ये जो 0.10.0 में जो वीकेंडी मैप आया उसी के चलते वो मैप नहीं मतलब वो गन नहीं आया, तो इसी चलते 0.10.5 में आपको ये गन देखने का मिल सकता है जो कि 7.62 का एमोलेशन में चलता है और जो कि बस्टेड और आपको सिंगल मोड मिलेगा, इसमें ऑटो मोड नहीं मिलेगा शायद, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लेज़र अटैचमेंट हो वो भी शायद आपको मिल जाएगा यही वर्जन में। इवन आपको टुकसाई दो ऑटो रिक्शा है हम लोग जो इंडियन में कहते हैं वो भी मिल जाएगा आपको सैनॉक में, और ये जो गाड़ी है ये बस सैनॉक के लिए एक्सक्लूसिव होगा, दूसरा मैप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक तरह का स्लो
मतलब ऑटो रिक्शा है जो कि सैनोक जैसे कि आप जानते हैं छोटा मैप है, तो उसके लिए जस्टिस है यह गाड़ी भी। जैसे कि आप जानते हैं सैनोक में स्कूटर भी है और ऑटो रिक्शा भी है जो कि उतना स्पीड नहीं चलता बट डिसेंट सा आपको व्हीकल है वो एक जगह से दूसरा जगह ले जाएगा, थोड़ा स्लो रहता है बट ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जार्की होता है इरेगल में, उसमें आपको स्नो फिर दिख जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं अभी ऑटम का ही उधर वेदर है, जर्की साइड में आपको ऑटम का ही आपको वेदर दिख रहा होगा फिलहाल के लिए इरेंगल मैप में। तो ये वर्जन में आपको मे भी उसमें स्नो एरिया मिल जाए, जैसे कि बीटा वर्जन हम लोग को दिखाया था 0.10.0 का जो बीटा वर्जन था उसमें हम लोग देखे थे कि जर्की में जो स्नो है मतलब पूरा स्नो से कवर है, जर्की खाली प्लेस है कोना में अगर आप फॉलो किए होंगे तो। अभी फिलहाल जो ग्लोबल वर्जन है उसमें आपको ऑटम का सीजन दिख रहा होगा बट ये अपडेट के बाद मे भी आपको स्नो वाला वेदर मिल जाए वो जर्की साइड, बाकी रंगल में अपना कुछ स्नो नहीं होगा बस जर्की साइड आपको देखने को मिल जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि बहुत ही आप बोल सकते हैं ईस्टर एग हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी जो है जोमी मोड। तो जैसे कि आप जानते हैं घटका तरफ आप जाएंगे इरेंगल साइड में उधर ब्लैक ब्लैक फुटप्रिंट आप देखे होंगे, मे बी आप देखे होंगे कुछ दीवारों में ब्लैक ब्लैक प्रिंट है, तो वो हम लोग का जॉम्बीज का मोड का आने का ईस्टर एग है और होपफुली ये वर्जन में हम लोग को जॉम्बी मोड में मिल जाए। ये कंफर्म नहीं है बट जब ऑफिशियल पैच नोट आएगा तो हम लोग कन्फर्म हो जाएगा। मे भी अभी इंस्टेंट जैसे अपडेट आएगा उसमें तो नहीं मिलेगा मतलब कुछ दिन के बाद आ भी सकता है, ये डिपेंड करेगा कम्प्लीटली पबजी के डेवलपर के ऊपर क्या चीज़ दे रहा है आपको। और इतना ही था ओवरऑल, मे भी ये सब चीज़ में से कुछ चीज़ आ भी जाए कुछ कुछ चीज़ नहीं भी आए, तो आज हम लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.10.5 वर्जन में जो कि कुछ ही दिन में आने वाला 20 तारीख तक हम लोग को शायद मिल जाएगा ये अपडेट और हम लोग ये इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस इतना ही था ये वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो ये वीडियो को थम्सअप दे सकते हैं, इवन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर अपने चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा ये जब भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।